नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज है रामपुर के बीजेपी की कैंडिडेट जयप्रदा जी। रामपुर की लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़ाई है दोनों तरीके से। एक तो रामपुर में जयप्रदा के सामने आजम खान है और दूसरी जयप्रदा और आजम खान की लड़ाई बहुत ही विदित लड़ाई है। लड़ाई के तमाम किस्से हैं, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं जयप्रदा से। जयप्रदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। जी धन्यवाद। तो जयप्रदा जी, ये बताइए कि आपने इधर झट से बीजेपी ज्वाइन की और पट से रामपुर की सीट आपको मिल गई, ऐसा क्या है रामपुर में कि वो बार बार जयप्रदा को वहीं खींच के लेके जाता है? प्यार, मोहब्बत, उस धरती का एक अहम प्यार है, मोहब्बत है। और रामपुर का जनता, उस जनता को मैं सलाम करती हूँ। रामपुर से आपकी खास मोहब्बत जो है, उसके एक अहम किरदार आजम खान साहब भी हैं। हर किसी को पता है कि आजम खान साहब और जयप्रदा के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया, तो क्या आप आजम खान के लिए वहाँ पे गई हैं? मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि बीजेपी में मुझे जगह दिया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ बीजेपी को भी, आदरणीय मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी। उससे उसके बाद उसी दिन मुझे रामपुर के लिए एक प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो ये मेरा सौभाग्य की बात है कि जहाँ मैं छूट गई वहाँ मैं वापस आने का एक रास्ता बन गया। पिछली बार आप बिजनौर से लड़ी थी, तो आप वहाँ भी तो जा सकती थी, आजम खान के सामने ही क्यों? जहाँ पार्टी निर्णय करते हैं उस पार्टी का आदेश के अनुसार पालन करना होता है, वही मैं कर रही हूँ। जिस जगह से मैं दो बार जीत कर आई हूँ, अगर मुझे प्रत्याशी वहीं से बनाया हो तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ना, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। पर आप ये समझती होंगी और मानती भी होंगी कि इस बार मुकाबला कड़ा है, क्योंकि पहले वोटों का डिविजन होता रहा है, इस बार सपा बसपा के कैंडिडेट है आजम खान साहब, और रामपुर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर 50% की मुस्लिम आबादी है, तो आपको लगता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल ये है सीट? जब 2009 में मैं पार्टी की प्रत्याशी बनकर रामपुर में उतारी हूँ, समाजवादी पार्टी ने मुझे उतारा, लेकिन अंदरूनी झगड़े के वजह से मैं निर्दलीय बन गई। कहाँ मुझे पार्टी ने सपोर्ट किया था, कहाँ मुझे आजम खान साहब ने सपोर्ट किया था। हमारे अंदर इतने भयंकर जो युद्ध हुआ है, तो उस बैटल में मुझे अकेले लड़ना पड़ा है। आज मैं वो स्थिति नहीं थी ना, आज मुझे वो स्थिति नहीं थी, आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं पूरी पार्टी मेरे साथ दे रही है, पूरे नेतागण मेरे साथ दे रही है, तो मुझे वो ताकत से लड़ने के लिए मुझे बहुत कुछ फायदा है। वोट का डिविजन था, वोट के डिविजन का फायदा मुझे लगता है कि आप इस बार जो है वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एकजुट वोट है, ऑपोजिशन का वोट जो है वो एकजुट है, तो आपको लगता है कि ये मुकाबला बहुत कड़ा होगा और कहीं आप आजम खान साहब से फिर से वो जन्मों जन्मों वाली लड़ाई जो है उसमें आपको मात खानी पड़े? लड़ाई तो होना ही है, क्योंकि जब जंग में आते हैं तो आमना सामना तो करना ही होता है। लेकिन अब जो है, जो जिस इंसान ने मुझे रामपुर तक लेके गया और खुद मुझे लड़ाया 2004 में, और वही आदमी, वही इंसान, वही नेता आज मुझे मेरे सामने आमने सामने हम लोगों को लड़ाई हो रही है, तो ये वक्त वक्त की बात है, यही राजनीति है शायद। अच्छा, जो 2014 के बाद जयप्रदा जी बहुत राजनीति में सक्रिय नहीं दिख रही थी, फिर सडनली आपकी एंट्री हुई है 2019 में, किसने कहा कि नहीं आपने राजनीति में इतना वक्त दिया है, आपको वापस इसमें आना चाहिए? मैं 4-5 साल सक्रिय राजनीति में नहीं थी, फिर भी मैं समाजवादी पार्टी को छूटने के बाद फिर मैं बीजेपी से, उनके जो जिस तरह लोगों के बीच एक बहादुर नेता, उनको अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस देश को रक्षा करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उनके कामों को मैं प्रेरित होकर मैं बीजेपी में आई हूँ।
ये बात सच है कि मोदी जी के जितने जो काम हैं वो मतलब कांग्रेस इतने सालों में जो सीनियर मोस्ट पार्टी कहला जाता है, लेकिन उनके जो जो डेवलपमेंट्स देखिए आप, इनके डेवलपमेंट्स देखिए, एक 5 साल में एक इंसान अपने जीवन को समर्पित देश के लिए किया हो, इस देश को रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना अपना जीवन को, अपने दिल को, हमारे दिमाग को चला रहे हैं, वो नेता के नेतृत्व में मुझे काम करने के लिए बुलाया हो या उनके विश्वास को मैं बरकरार रखती हूँ और मैं समर्पित होकर इस बीजेपी का जो लक्ष्य है कि फिर एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनना है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में जब रही तब भी आपने अपना नेता जो है वो अमर सिंह जी को माना, अभी भी जब आप आई हैं तो हर किसी को पता है कि अमर सिंह जी आपको मोदी जी के पास लेकर गए, आप और अमर सिंह जी पार्टी से बाहर निकले थे, उन्होंने ही आपको मोदी जी के पास लेके गए। जब अमर सिंह जी और मोदी जी या बीजेपी की नजदीकियां बढ़ी हैं तब जयप्रदा आई हैं, तो आप जो है अब इसके बाद अपना लीडर किसे मानेंगे, अमर सिंह जी को ही मानेंगे या मोदी जी और अमित शाह को मानेंगे? देखिए, मैं बीजेपी में ऑफिशियली ज्वाइन किया और अब मेरे नेता आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी भी हैं। दूसरी बात यह है, अमर सिंह जी मेरा गॉडफादर है। जब मैं मुसीबत में रहती तो अमर सिंह जी मुझे बचाया है, उन्होंने मुझे साथ दिया और उन्हीं के वजह से मुझे एक सक्रिय यूपी के जो राजनीति है उसमें मुझे दखल करने का एक मौका मिला था उस वक्त 2004 में। पहला मुझे अमर सिंह जी ने लेके नहीं आया, अमर सिंह ने रिकमेंड नहीं किए, आजम खान साहब ने मुझे लेके आए थे 2004 में। जी बिल्कुल, आप उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, वो बहन कहते थे, तो उसी बहन को आप सब कुछ कहेंगे, अभद्र जितने जो गालियां दे सकते हैं वो सब दे सकते हैं। ये बहन के लिए लायक है कि बहन बोल के भी राखी का जो सम्मान होता है उस राखी का सम्मान कभी दिया? लेकिन एक बात बताइए जयप्रदा जी, कि ऐसा क्या हो गया आजम खान साहब से कि आपका इतना रिश्ता खराब हो गया, वो इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू हो गया, क्या हो गया? बिल्कुल मुझे इस बात पर कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उस समय पे सब कुछ ठीक था, उस समय पे सब कुछ खुशहाल था, तो अचानक 2009 में क्या हो गया मुझे कुछ पता नहीं। शायद मुझे रामपुर में इतना आना जाना और रामपुर में मैं गरीबों से प्यार करने लगी हूँ, गरीबों के लिए काम करने लगी हूँ, शायद इस बात पे उनको नाराजगी हो गई होगी। अमर सिंह जी का झगड़ा आजम खान से, उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा क्या? झगड़ा इस बात पे है कि मैं हिंदू लड़की हूँ, झगड़ा इस बात पे है कि मुझे गाली देने से पता नहीं आजम साहब को खुश होगी तो गाली दे रहे हैं, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन अमर सिंह जी के वजह से ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस पे है कि मुझे जब मैं मुसीबत में थी, जब मेरे ऊपर हमला हो रहा था, मेरे तस्वीरें बट रहा था, उस वक्त अमर सिंह जी मुझे बचाया। ये काम मुलायम सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी करना था, अखिलेश करना था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे बचाने का कोई कोशिश नहीं की। मतलब इसका मतलब है इंसान अच्छा करे तो उनके लिए यही अगर रिजल्ट हो, तो मैं इस बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, इस बात पे मुझे बहुत दुख है। मतलब औरत के लिए सम्मान नहीं है, जिस इंसान जो है मुझे वहां उतने दूर लेके रामपुर लेके गया था और मुझे उतना ही गंदे ट्रीटमेंट किया था जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी मैं जिंदा हूँ। अभी आपने कहा कि आपके ऊपर आजम खान इसलिए नाराज हुए क्योंकि आप हिंदू हैं, हिंदू लड़की हैं, इसका क्या मतलब है? जब चुनाव प्रक्रिया चल रहा था तो आजम साहब मुझसे कहते थे कि जया जी आप कट्टर हिंदू हो, तो मैं हंस के चली जाती थी
मैंने कभी नहीं कहा कि कोई हिंदू हो मुसलमान हो हम सब एक साथ हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने ऐसे कोई गुनाह किया है? क्या गुनाह किया मैंने? उनको कोई अभद्र शब्द बोला है या मैंने उनके अच्छा नहीं है वो काम मैंने किया है? क्या मैंने इस समाज के लिए कुछ ऐसे काम कर दिया हो मुझे नफरत करे? मैंने क्या किया है? क्या आपको लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम जो है वहां पे ये जबरदस्त तरीके से रामपुर में होने वाला है? अनुराधा जी, मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि बात इसमें नहीं है, क्योंकि आपने कभी देखा जयप्रदा के अलावा किसी के नाम से उन्होंने पाजेब बोला हो या नाचने वाली बोले हो या ये आम्रपाली बोला हो, ऐसा कुछ आपने देखा? लेकिन मेरा सवाल फिर से आपसे वही है कि क्या आप देखती हैं कि रामपुर में हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या रामपुर की जनता इस बेसिस पर डिसाइड करेगी कि कौन कैंडिडेट हिंदू है और कौन कैंडिडेट मुस्लिम है? ये तो जनता पता है, जनता को मालूम है, जनता ने मुझे जो दो बार, एक बार नहीं दो बार जिताई है। ये लड़ाई जनता की है, जनता की है, और जनता अच्छे जो सांसद को चुनेगी और फिर रामपुर में विकास करने के लिए एक और रास्ता खुलेगा। और इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि गांव-गांव में बच्चे मोदी 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 कह रहे हैं, तो ये मोदी जी के लिए ही ये वेव है, तो मोदी जी के अलावा कोई वोट नहीं ले सकते हैं। जयप्रदा जी से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जयप्रदा जी, ये बताइए कि क्या ये रामपुर का चुनाव जयप्रदा नहीं, मोदी जी वर्सेस आजम खान है? देखिए, ये विकास विकास के लिए मोदी जी के लिए वोट देंगे, और ये आजम खान साहब देखिए एक मतलब सिर्फ रामपुर के लिए है, सीमित है, लेकिन मोदी जी पूरे देश के लिए है। देश के लिए नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे देश को इतना नाम दिया है, पहचान दिया है, तो मोदी जी के लिए जनता है और मोदी जी के लिए वोट है, इसके लिए हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़ाई एक विकास के लिए है, एक देश के रक्षा के लिए है, महिला सम्मान के लिए है। अच्छा जयप्रदा जी, ये बताइए कि आप जब पार्लियामेंट में रही तो राहुल गांधी भी आपके साथ पार्लियामेंट में रहे, राहुल गांधी अब ऑपोजिशन के लीडर है, तो आप उनकी राजनीति को कैसे देखती हैं? देखिए, चुनाव के माहौल में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपना अपना जो प्रचार कर रहे हैं अपने पार्टी के वोटों के लिए, वो वोट बटोरने के लिए उसी में बिजी हैं सब लोग। यहाँ रामपुर में आप आएंगे तो रामपुर में ऐसे कुछ कांग्रेस के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं है लोग। लोगों को पता है कि मोदी एक कद्दावर नेता है, उनके लिए वोट देने के लिए लोग अभी इस वक्त तैयार हैं। आप और राहुल गांधी दोनों, आप दोनों की एंट्री पार्लियामेंट में एक साथ हुई थी 2004 में। हाँ, मैं मानती हूँ हमारे लिए जो चुनकर पार्लियामेंट में आते हैं उनके पूरा सम्मान होता है, और राहुल जी से मुझे ज्यादा रूबरू करने का कोई मौका नहीं मिला। अच्छा, आप यूपी की पॉलिटिक्स में हैं और यूपी की पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, प्रियंका जी हमेशा चुनाव के समय पे हमेशा वो बाहर आती हैं, और सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सीमित रहती थी, अब उनको पार्टी में एक सक्रिय पद दिया है, उस पद में यूपी में उनको इंचार्ज बनाया है, तो उसके हिसाब से वो कभी गंगा यात्रा कभी रेल यात्रा कर रही हैं। ये पार्टी के लिए उनको उठाने के लिए, पार्टी को उठाने के लिए जो उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स के बाद उनको उस पार्टी को, कांग्रेस के मोस्ट सीनियर पार्टी, वो पार्टी को फिर से दोनों उठाने के लिए ये काम कर रही है। आई अप्रिशिएट इट, यू विश देम लक, बट इट इज टू लेट, क्योंकि चुनाव तो शुरू हो गया है, तो कितना रिजल्ट दे पाएगी ये तो पता नहीं। अच्छा ये बताइए, जब आप 2004 में आई थी और उसके, तो आप उस समय आप बीजेपी को, चूंकि आप समाजवादी पार्टी में थी
और उस समय बीजेपी से समाजवादी पार्टी का रिश्ता अच्छा नहीं था, तो आप लोग उस समय संसद के अंदर और संसद के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी की को या उनकी बीजेपी को और उनकी सरकार को बहुत सारे सवालों पर घेरते थे। आज आपको बीजेपी बहुत अच्छी लगने लगी, क्या उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी? समाजवादी पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता थी, मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में यह सब होता था। और रहा अटल जी के लिए, अटल जी एक महान नेता है और उनको हम क्या, हमारी हैसियत क्या है उनके लिए टिप्पणी करें। और उनके समाजवादी पार्टी उस वक्त जो उसूलों से जो वहाँ पे समस्याओं के लिए उस वक्त विरोध कर रहे थे वो अलग बात है, क्योंकि हम उस पार्टी में थी। अब मैं इस पार्टी में हूँ, नेचुरली मुझे मेरा नेता आदरणीय मोदी जी ही होंगे ना। अच्छा, जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी अध्यक्ष ने आपको कुछ कहा स्पेशली कि आपको ये सीट क्यों जीत के आनी है? देखिए ऐसा है ना, मुझे पार्टी में ज्वाइन करने के बाद उसी दिन मुझे रामपुर के लिए उन्होंने एक कैंडिडेट के नेचर पे मुझे घोषित किया है, और बाद में उनका फोन आया है और मुझे ब्लेसिंग दिया कि आप चुनाव जीत कर आई है, बस इतनी सी बात है। तो नेचुरली कोई भी नेता अपने प्रत्याशी को आशीर्वाद तो देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। चलिए जयप्रदा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो ये थे आमने सामने में जयप्रदा, मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।